नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी मैं मौजूद हूँ हिंडपीढ़ी के वार्ड 23 में, जहाँ पर आज एक प्रेस वार्ता रखा गया था, जहाँ पर इनकी समस्याएं हैं जो सुनी नहीं जाती है। नगर निगम को लेकर के इन्होंने एक प्रेस वार्ता रखा था, आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया बंधुओं को अपने वार्ड नंबर 23 हिंडपीढ़ी के तरफ से शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से नगर निगम को ये सूचना देता हूँ या अपील करता हूँ कि कल विधानसभा सत्र समाप्त हुआ और झारखंड सरकार के द्वारा नगर निगम को 2707 करोड़ रुपया बजट दिया गया। ये राजधानी 53 वार्ड के लिए दिया गया, अलग अलग योजना के हिसाब से, जैसे 44 करोड़ रुपया दिया गया तालाब और सौंदर्यीकरण के लिए, 5 करोड़ पार्क का सुंदरीकरण के लिए और 149 करोड़ रोड, नाली और ब्लैक रोड और पेवर ब्लॉक के लिए दिया गया। और इस पहली बार नगर निगम के द्वारा, नगर प्रशासक नगर आयुक्त के द्वारा पहली बार वार्ड लेवल में सीसीटीवी कैमरा का स्कीम दिया गया। चूंकि मैं ये आपको बतला देना चाहता हूँ कि हिंदपीढ़ी को हमेशा खास करके लॉकडाउन के पीरियड से टारगेट किया गया है और हमारे रांची के माननीय विधायक सीपी चचा और नगर निगम के मेयर आशा दीदी हमेशा हिंदपीढ़ी को छुआछूत के नज़र से देखा है। आज तक हिंदपीढ़ी में जितनी भी रोड, नालियां या सड़कें हैं वो दुरुस्त नहीं है। आज भी हिंदपीढ़ी के क्षेत्र बुनियादी चीज़ों से महरूम है। तो जिस तरह नगर निगम के द्वारा, चूंकि हिंदपीढ़ी एक नशेड़ियों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दे देते हैं और नगर निगम के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरा का स्कीम निकाला गया है, तो मैं नगर निगम प्रशासक और नगर आयुक्त और मैं माननीय पार्षद से भी अपील करता हूं कि सीसीटीवी कैमरा का जो शुरुआत है वो हमारे टारगेट मोहल्ला से शुरू किया जाए, वार्ड नंबर 23 से शुरू किया जाए। जिस तरह आपको पता है कि कुछ दिन के बाद हमारे माह रमज़ान शुरू होने वाला है और 15 सालों से पानी का जो समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो नगर निगम के द्वारा बोरिंग के लिए भी बहुत बड़ा बजट दिया है। तो मैं नगर निगम और माननीय पार्षद महोदय से अपील करता हूं, क्योंकि वो एक महिला पार्षद है, नगर निगम में ज़्यादा उनका एब्सेंट ही रहता है, मजबूरी है उनके साथ कुछ, जिसके वजह से मैं अपील करता हूं आपके द्वारा, आप मीडिया बंधुए के द्वारा, कि नगर निगम जो भी स्कीम निकाली है बोरिंग के लिए, तो इस माह रमज़ान में शुरू किया जाए। और कुछ दिन पहले किसी सज्जन ठेकेदार के द्वारा रोड नालियां के भी अखबारों के द्वारा सूचित किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि नगर निगम भी इस टारगेट मोहल्ला का जितना भी रोड नालियां हैं वो दुरुस्त करें। तो आपने सुना कि इनकी क्या मांगे हैं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।